अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैं आज आपको एक स्लीव डिज़ाइंस बनाना सिखा रही हूँ। मैंने पूरी फ्रॉक बनाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्लीव डिज़ाइन दिखाऊंगी और नेक्स्ट में हम आपको फ्रॉक दिखाएंगे। सो स्लीव्स के लिए ऑलमोस्ट हाफ मीटर कपड़ा लगता है। आप तकरीबन फुल शर्ट का कपड़ा लेंगे तो देखें, इसकी जो लेंथ है वो 12 है, 12 इंचेस मैंने लिए। वैसे फुल स्लीव्स आप काट लीजिए, तकरीबन 16 के मैंने बनाए हैं। ठीक है, आप फुल बनाना चाहते हैं, क्वार्टर बनाना चाहते हैं, ये मोस्टली फुल या क्वार्टर में होते हैं, 3x4 में आप कर लें। ये पूरे स्लीव्स थे जिसकी लेंथ तकरीबन 16 इंचेस थी, जिसमें से मैंने 4 इंचेस कट कर लिए हैं। ये देखिए, 4 इंचेस का कपड़ा मैंने अलग कर लिया है और दूसरा कपड़ा मैंने अलग कर लिया। अब जो 4 इंचेस का जो मैंने कपड़ा लिया है वो लेके आपने उसकी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, इस तरह मैं इसको काट के और मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइन बताने लगी हूँ जो कि बहुत प्यारा लगता है, और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अब आपने इस तरह इसको वी शेप यू शेप में आपने इसको कट करके लगा लेना है। ये दोनों स्लीव्स के कपड़ा मैं काट रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये दो स्लीव्स हैं। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज टू मेक अ डिज़ाइन ओवर हेयर लाइक दिस। ठीक है, फुल लेंथ को काट के मैंने इसका 4 इंचेस अलग कर लिया है और इस तरह मैं इसको स्टिच करूँगी, इस तरह मैंने ये डिज़ाइन बनाना है। ओके फ्रेंड्स, अब जिस तरह आपने इसको गोल करके रखा है, इसके बीच में भी कपड़ा लगाया जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा है जिससे मैं एक सर्कल से काट लूँगी और वो मैं आपको लगाना सिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से बनाना होगा। इस तरह फ्रेंड्स आप रखेंगे स्लीव को, और ये जो कपड़ा है इसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप में काट लूँगी और वो मैं इसको बीच में लगा दूँगी, तो आपका बहुत ही प्यारा सा एक यूनिक सा स्टाइल बन जाएगा। इसको मैंने एक तरह से हार्ट शेप में काट लिया है, प्रॉपर हार्ट शेप नहीं है लेकिन थोड़ी सी राउंडेड है। इस तरह फ्रेंड्स इसको हम अंदर रखेंगे, अंदर स्टिच कर, और इसके ऊपर हम ये दोनों जो साइड्स हैं इनको हमने इसके ऊपर स्टिच कर देना है, और फिर हम इसको स्लीव्स के साथ जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसके साथ कुछ गोटा लिया है, गोटा मैंने इसके साथ अटैच करना है। तो आपके पास ये जो मैं एक स्लीव के जो डिज़ाइन है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों को मैंने काट लिया है, अलग अलग कर लिया है। ठीक है, अब मैं इन दोनों के साथ जो है गोटा लगा दूंगी। पहले आपको पता है कि आप पहले फोल्ड करते हैं, फिर फोल्ड करने के ऊपर आप उसके ऊपर लेस रख के उसको लगा देते हैं। इसी तरह आपने इसको भी करना है और जो दूसरा इसका पार्ट है उसको भी करना है। फिर हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे और बीच में हमने जो एक हार्ट शेप बनाई थी उसके ऊपर भी हमने लेस लगा के तीनों को आपस में अटैच कर देना है। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम ये किस तरह बना रहे हैं। जो फ्रेंड्स हार्ट शेप है इस पे भी हमने इसी तरह गोटा लगा लेना है। ठीक है, आप चाहे तो इसके ऊपर सिंपल प्लेन लेस भी लगा सकते हैं, आप जिस तरह का कंट्रास्ट करना चाहेंगे, जिस तरह भी आप करना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आप अपनी मर्जी से गोटा भी लगा सकते हैं, कोई लेस भी लगा सकते हैं। इसको भी आपने नीचे से थोड़ा फोल्ड करके फिर आपने इसको करना है। ठीक है, ये इस तरह जो है वो तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपने इधर साइड्स पे लगाना है।
ये आपका रेडी हो गया। मैं आपको बता देती हूँ आपने इसको किस तरह सेट करके बनाना है। पहले हम थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेते हैं। अब पहले हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। फ्रेंड्स अब हमारा स्लीव है, ठीक है। आपने इसके ऊपर इसको इस तरह रख देना है और इसके साथ इसने आपने इसको अटैच कर लेना। बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। सो यू कैन डू इट विद योर शर्ट्स, विद योर कुर्तीस, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। आप इसको गोल के बजाय आप इसको वी शेप में भी बना सकते हैं। सो बहुत ही ईजी है। ये देखिए हमारा स्लीव तैयार हो चुका है। इसी तरह आप दूसरे स्लीव को भी तैयार कर लीजिए और फिर साइडों से आप इसको सी लेंगे। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप फ्रॉक या कोई इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं तो आप स्लीव्स को जो है खुला छोड़ देते हैं। पहले आप इसको कमीज़ के साथ अटैच करते हैं और फिर आप उसको बंद करते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह आपने करना है, ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़े खुले होंगे, ये बिल्कुल तंग स्लीव्स नहीं हो सकते क्योंकि हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है। तो ये आपके स्लीव्स इस तरह थोड़े से खुले जो है वो मैं तैयार करके आपको दे दूँगी। इसी तरह आपने इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ कि ये कैसी लुक दे रहे हैं। ये फ्रेंड्स हमारे स्लीव्स तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो में मैं आपको फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी इस तरह की, तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। अगर आप सीखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप स्लीव्स के साथ, मैंने इसका गला डिज़ाइन भी किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें ताकि हम उसके मुताबिक वीडियोज़ बनाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।